सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रेरूप सागर। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन चलती नजर आ रही है बीजेपी की विधायकों की, जिसके सामने कानूनी नमस्तक होते दिखाई दे रहा है। टीकमगढ़ में विगत 3 दिन पूर्व धजराई तेगेला के समीप पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे यानी खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की पजेरो स्पोर्ट गाड़ी से 3 व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे पहले पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, लेकिन बाद में परिजनों ने ग्रामीणों स्थानीय लोगों ने डेड बॉडी उठाने से मना कर दिया एवं रोड पर देर रात्रि चक्का जाम कर दिया, जिससे पुलिस को मजबूर रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। लेकिन इस मामले में राजनीतिक अधिक होने से इसलिए पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करने से डर रही है। किसी को शक ना हो इसलिए पुलिस सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति का काम कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं SP अनुराग सुजनिया दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर पुलिस के IPS ऑफिसर ही ऐसा करेंगे तो वहाँ के आम नागरिक का क्या हाल होगा। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए एवं तत्काल प्रभाव से इन्हें अपने पद से हटाया जाए। जबकि अगर विधायक की जगह कोई आम आदमी होता तो तुरंत गिरफ्तार करके जबरदस्ती हुई जुर्म साबित करके सजा दिलवा देते, मगर यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस फोटो में मौजूद व्यक्ति कलेक्टर सुमन कुमार श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर SK अहरवार, SP अनुराग सुजनिया टीकमगढ़, विधायक राकेश गिरी, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी व आरोपी स्वप्न, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी है। हम लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उसमें 304A लगाई गई, तो जबकि 304A नहीं लगाई जाती उस पर, ऐसी परिस्थिति में जब दर्दनाक घटना होती है तो 304 लगाई जाती है, जो प्रशासन के द्वारा नहीं लगाई गई, तो उसकी मांग की है हम लोगों के 304 लगाई जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने मृत परिवार को सरकारी नौकरी और 25-25 लाख रुपए के मुआवजा राशि के रूप में हम लोगों ने मांग की है। और जो उनके बच्चे हैं ऐसी परिस्थिति में उनकी शिक्षा मुफ्त कराई जाए जो संस्थाओं में पढ़ाकर, और जो विधायक जी हैं जिनकी गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। राहुल लोधी द्वारा जो घटना की गई है वो जानबूझ के ही की गई है, कारण क्योंकि वो स्वयं चालक थे उस गाड़ी पर और उसके बाद पुलिस उनका बचाव कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो माँ भारती जी के भतीजे हैं, इसलिए उनका बचाव कर रही है पुलिस प्रशासन। वो चाहती है और उन्हें झूठा बयान भी दे दिया है कि किसी टैक्सी द्वारा घटना हुई। अगर घटना टैक्सी द्वारा होती थी तो टैक्सी चालक कहाँ है, वो टैक्सी कहाँ है? लेकिन एक्चुअली उन्हीं की गाड़ी पजेरो से ही घटना हुई है, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट वहाँ टूटी पड़ी मिली है। कुछ आगे जाके उनके टायर गला, उन टायर को बलदा गया, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे द्वारा नहीं हुई, तो यहाँ रास्ते से टीकमगढ़ से जाते हुए टोटल हर बाईपास पे कैमरे लगे हुए हैं। जैसे पहला कैमरा यही डिवाइन फ्यूल पे लगा है, यहाँ सदा सिंह फ्यूल पेट्रोल पंप पे लगा और आगे मंदिर पे लगा हुआ है। उन पे कैमरों की फुटेज देखी जाए कि सत्य घटना क्या है। आज अहरवार सुमान ने जो ज्ञापन दिया है उसमें 1-2-3 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें वो राहुल सिंह की बात कर, राहुल मोदी जी विधायक जी की, उनकी वाहन से हुआ है ऐसा उन्होंने ज्ञापन दिया कि जिस वाहन से वो एक्सीडेंट हुआ है उस वाहन जिसने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस कार्रवाई करे और उनको मदद भी दी जाए मृतकों के वारसों को। तो उस जो ज्ञापन दिया उसके बिंदुवार जांच करके जो भी कानून की परिधि में आएगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सही कार्रवाई होगी, ऐसा हमारी पुलिस प्रशासन करेगी। दूसरी बात, उनके लिए संबल योजना के तहत मृतकों के वारसों के लिए 4-4 लाख रुपए हम लोग और कल या परसों तक मुहैया करा देंगे, उसकी तैयारी हो गई पूरी, पूरा बिल लग रहा है। तीसरी बात, रेड क्रॉस सोसाइटी से तीनों लोगों को, 2 मृतक और एक हमारे मदन करके हैं जो कहीं ग्वालियर के भर्ती है अभी, वो भी सीरियस है, उनको भी 15-15 हज़ार रुपये के 3-4 घर लोग परसों दे चुके हैं। इसके बाद जो अभी इससे बात आई कि उनके लिए 25-25 लाख रुपये जो भी है, तो मैं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के तहत प्रकरण बना के उनको भेजूंगा और वहां से जितनी भी राशि मुहैया हो सकेगी, जितनी मदद होगी माननीय CM साहब की ओर से, वो मुहैया करेंगे।